me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong. Good morning, guys. Welcome on to Mr. RK Blog. और दोस्तों आज का दिन है फ्राइडे, दो दिन के बाद जस्ट दिवाली. एंड जो लोग घर पहुंच गए हैं उनको बहुत सारी बधाइयाँ. और गाइस कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है जो घर पे रहते हैं या नहीं तो उनके घर सिटी में रहते हैं, लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटी जहाँ पे आप जॉब करते हो. बट हम जैसे लोग जो जॉब करते हैं जहाँ पे घर से दूर रहना पड़ता है, या स्टूडेंट भी जब मैं था तब भी दूर रहना पड़ रहा था, तो गाइस दिवाली में मैं घर नहीं जा पाऊँगा. और ये है आज का अपडेट. और गाइस आज का ब्लॉगिंग जो है वो पूरी तरह से दिवाली पे होने वाला है, तो देखते हैं क्या क्या फ़ोन कर सकते हैं हम लोग. गाइस हमारे यहाँ क्या होता था ना कि मॉर्निंग में बहुत सारे लोग आते थे, कुछ गाना गाते थे या कुछ म्यूजिक सुनाते थे, फिर कुछ मांगते थे. यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह से करते हैं लोग. सो गाइस जो आपने म्यूजिक देखा, ये फेस्टिवल के पहले ही ज़्यादातर लोग आते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये शुभ है. और मैंने देखा आंटी रोक के अपने दरवाजे पे बजवा रही थी थोड़े, तो बहुत लिमिटेड में बजा रहे हैं. पहले तो मैंने 10 रुपीज़ दे के बजवाया, फिर उसके बाद मैं जाके वहाँ पर रिकॉर्ड करा जहाँ पर आंटी दे रही थी. गाइस ये मॉर्निंग का टाइम है तो रियली मैं रोज चली आता हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि एक्सरसाइज ना करूँ तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता है. तो मॉर्निंग में रनिंग करना, नहीं रनिंग तो वॉकिंग तो कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज. और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका क्या रूटीन है मॉर्निंग का, एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हो. अगर नहीं करते तो स्टार्ट कर लो ब्रो. और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अंडी आती हैं जो एक्सरसाइज करती हैं एंड देन उसके बाद यहाँ पे गाने भी गाती हैं जो यहाँ के लोकल सॉन्ग होते हैं. और मैं अपनी मम्मी से बोलता हूँ वॉकिंग करने के लिए तो नहीं जाती हैं, बोलती हैं हम तो घर पर ही काम कर लेते हैं, एक्सरसाइज हो जाती है. बट यहाँ आप देख सकते हो कि एक बहुत ही अच्छा कल्चर है, इसी बहाने लोग मिलते हैं, गाना गाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं. सो दैट्स रियली वेरी ग्रेट थिंग. और गाइस बात करें जयपुर में मेरे दोस्तों के बारे में, तो मैंने पहला दोस्त आपको दिखाया था वीडियो में, और ये मेरा और सारे दोस्त हैं जो इन्हीं के साथ मैं खेलता हूँ, कूदता हूँ, इन्हीं के साथ पटाखे करते हैं, इन्हीं के साथ बहुत सारे गेम खेलते रहते हैं. और गाइस दिवाली के टाइम पे तो घर पे मम्मी लोग रहने नहीं देती है, बहुत सारा सफाई करवाती है. तो तुम लोग बताओ कि तुमने घर पे सफाई करा? यस करा ना. क्या क्या करा? हमने वो जाले, घरों में जाले लगे रहते हैं उनको हटाया और कमरे को धोया. ऐसे मेरे साथ भी होता था, मैं भी जब घर पे रहता तो सारा काम मम्मी करवाती थी. तुमने नहीं करा क्या जी? कुछ नहीं. क्यों? तुम्हारी मम्मी ने कुछ नहीं बोला करने को? काम जो हो रहा है इसलिए. अच्छा, नहीं इसकी तबीयत खराब रही होगी इसलिए आज थोड़ा गुमसुम है. गाइस मैं तो घर नहीं जा पा रहा है इस दिवाली में, जस्ट दिवाली के मैं कुछ दिन के बाद जाऊंगा. मतलब मेरे घर पे 3-4 को फंक्शन है तो उस टाइम पे मैं जाऊंगा और बहुत मज़ा आने वाला है, तो इसलिए मैं दिवाली में नहीं जा रहा. बट सत्येंद्र जा रहा है तो अभी के लिए वो जा रहा है सेविंग वगैरह करवाने के लिए, तो चलते हैं देखते हैं इनकी सेविंग. यही है प्लेस जहाँ पे हम लोग आते हैं नाश्ता करने के लिए. मॉर्निंग में कभी कभी हमें आना पड़ता है क्योंकि पीजी में नाश्ता अवेलेबल नहीं होता है उस टाइम पे. सो दे आर द प्लेसेस वेयर वी कम मॉर्निंग का नाश्ता. व्हाट वी आर गोइंग टू ईट? पोहा. देखिए इन पे अनार लगे हुए हैं. और जयपुर में ये भी बहुत ही पॉपुलर थिंग है जो लोग खाने में बहुत प्रिफेयर करते हैं. जैसे नोएडा में दोस्तों बहुत सारे मॉर्निंग में बिरयानी मिलती थी, वैसे यहाँ पे आपको पोहे मिल जाते हैं.
भैया की दुकान पे और भैया देते हैं पोहे। हेलो भैया। हेलो। तो भैया कितने के पोहे आते हैं आपके? वैसे 20 रुपए। 20 रुपए प्लेट। सही है, यहाँ पर वैसे पोहे बहुत ज्यादा फेमस है। ये देखिए आ गए हम लोग पीने के लिए गर्मा गर्म चाय। और गाइस मॉर्निंग में पोहे खाने के बाद चाय पीना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चीयर्स। गर्मा गर्म चाय की प्याली। गाइस जब मैं गोरखपुर में रहता था, कानपुर में रहता था, नोएडा में रहता था, चाय नहीं पीता था, बट गाइस यहाँ पे चाय इतनी किफ़ायती और इतनी अच्छी मिलती है कि मतलब अगर आप एक बार पी लेते हो तो आपको हमेशा पीने का मन ही करेगा। सो चीयर्स। सो गाइस दिस इज द लंच टाइम और अभी ब्रेक हुआ है तो मैंने जस्ट कुछ आपको यहाँ का डेकोरेशन दिखाया, पूरी तरह से नहीं दिखाया, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। सो आई कांट शो यू यहाँ, बट आई विल ट्राई। देखते हैं आज फ्राइडे के टाइम क्या क्या होता है। गाइस आपको पता है दिस इज बॉक्स, नॉट अ बॉक्स बट एक बल्ब सीपीयू। और पहले मैंने देखा नहीं था बट मैंने देखा एप्पल का भी सीपीयू आता है जिसमें आप विंडो मतलब कोई भी मॉनिटर यूज़ करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा चीप होता है जो भी मैक के सिस्टम आते हैं। गाइस ये लंच ऐसे ही मैं बाहर से लंच मंगाना पड़ेगा जब तक कि दिवाली बीत नहीं जाती। वाह ये देख सकते हैं गाइस चावल मिला है। जयपुर में अगर आपको चावल मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। दही है एंड देन दाल एंड देन हरी सब्जी और रोटी। जयपुर में ज्यादातर रोटी ही मिलता है खाने को। और गाइस लेट मी शो यू गिफ्ट टुडे आई गॉट फ्रॉम कंपनी। तो इसका हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रूम पे। तो अभी आप जस्ट से देख लीजिए। तो इट्स अ बिग पैकेज वन लग रहा है जैसे कि कोई हार ओवर है। और दो डब्बे हैं मिठाई के और एक दोस्तों कोई मिठाई है जो बिलोंग करती है गुजरात से। सो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ ऑफिस से रूम पे और ये मैं लेके आया जो मेरे ऑफिस में हर एक सैटरडे को और फ्राइडे को मिलता है, मतलब एक दिन छुट्टी होने से जस्ट पहले हर एक वीक में, ताकि जो भी भूखे लोग हों या जिनको अवेलेबल नहीं है उनको ले जाके हम लोग जितने भी ऑफिस में काम करते हैं ले जाके किसी को दे सकते हैं या वहाँ पे किसी को बुला सकते हैं देने के लिए। तो ये बहुत अच्छा काम करती है मेरी कंपनी, इसके लिए रियली अप्रिसिएट करना चाहिए। के बाद उन्होंने दिया है मुझे एक हैम्पर। ये सबको मिला है ऑफिस में तो इसको हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है मेरे ऑफिस में दिवाली गिफ्ट सारे एम्प्लॉय को। सो लेट्स ओपन इट। तो गाइज ये कुछ स्पेशल है जो इसको मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा, बट इसके पहले कुछ और दिखाता हूँ। मिठाई के डब्बे दोस्तों मुझे जाना है दिवाली के बाद घर, तो मैं सोच रहा था इसको बाद में खोलूंगा, बट गाइस खोलना पड़ेगा इसे और देखते हैं कि इसके अंदर वैसे मिठाई है। एक और डब्बा है इसमें भी मिठाई है। और दोस्तों जापान सॉरी जयपुर में बहुत ही फेमस है मिठाइयों के लिए, दो डिब्बे। उसके बाद ये है गंगोत्री समथिंग क्या है खाखरा। ये दोस्तों गुजरात का बहुत ही फेमस खाखरा जो हमें दिया गया है सारे एम्प्लॉय को। ये तीन चीज़ें जिन्हें हम साइड में रखते हैं। ओके ओके और इनको ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है स्पेशल बॉक्स। गाइस ये ऐसे दिख रहा है जैसे निकलेस वगैरह होते हैं वैसे है, तो इसको हम ओपन करते हैं और दिखाते हैं आपको क्या है इस बॉक्स के अंदर। पूरी तरह से अच्छे से पैक है, टेप लगे हुए हैं। और गाइस कंपनी ने इतना कुछ करा है एम्प्लॉयज के लिए,
भी वेरी बिग थी। मतलब सच में मैं बचपन में मम्मी का जब मैं कोई नेकलेस वगैरह लगाता था उसको देखता था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और आज मुझे पहली बार ऐसा बॉक्स मिला है गिफ्ट में, और पिक्चर तो अभी खुल जाओ। Here is box, guys. I don't want to show my company name, but अच्छा है, आपको जल्दी पता चलेगा किस कंपनी में काम करता हूँ। तो इसको मैं ओपन करता हूँ और पूरी तरह से नेकलेस की तरह है। क्या लुक आ रहा है इसका, मतलब कमाल का। सो लेट्स ओपन इट। What did this man? तो ये है कितना कुछ आया हुआ है। तो चलिए मैं देखता हूँ क्या क्या है। ओके, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। तो गाइस इसमें है एक थाली, और यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, दो नहीं चार प्लेट्स हैं, कटोरी जिन्हें बोलते हैं, मतलब प्लेट नहीं बोलेंगे कटोरी। 1, 2, 3 and 4। और इनके साथ टोटल चार चम्मच भी हैं, आप देख सकते हैं। दे दिया है मेरे कंपनी ने, मतलब पहली बार कंपनी ने मुझे ऐसा दिया है। मतलब मैं अभी कंपनी में, मेरे को 1.5 महीने हुए हैं, बट पहली बार मुझे किसी कंपनी से इस तरह से गिफ्ट मिला है। सो थैंक यू सो मच माय कंपनी, बहुत अच्छा लगा ऐसे गिफ्ट देने के लिए, शुक्रिया। और यहाँ पे कुछ नोट्स है जिस पे क्या लिखा हुआ है। ओके, ये है जहाँ से आया हुआ है, एंड कुछ मैसेज वगैरह भी है इस पे। सो ये है हमारा अनबॉक्सिंग। और गाइस अभी तो मुझे ऑफिस कल भी जाना है, कल सैटरडे है, उसके बाद संडे, फिर दिवाली। तो मैं बहुत मिस करने वाला हूँ घर को और मेरे ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय हैं सभी को, मेरे टीम मेंबर को, क्योंकि गाइस कोई है नहीं। बट मुझे रहना पड़ेगा कल, कल इसलिए रहना पड़ेगा, कल छुट्टी है वैसे, क्योंकि हमारा सैटरडे जो है वो ऑफ रहता है। बट मुझे नेक्स्ट सैटरडे को जाना है, क्योंकि हमें फोर्थ और सेकेंड सैटरडे ऑफ मिलता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि कल जाके मैनेज करना पड़ेगा ताकि मैं नेक्स्ट सैटरडे को घर निकल पाऊँ। जैसे कि मैंने बताया था कि घर पर फंक्शन है, तो मैं फैमिली को बहुत मिस करने वाला हूँ, अपने एम्प्लॉयज जो भी मेरे दोस्त हैं, कलीग्स हैं, उनको बहुत मिस करने वाला हूँ। तो अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों इसी तरह से मैं कोशिश करूंगा आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेके आऊं। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इंस्टाग्राम ट्विटर पे अगर आप हैं तो मुझे जरूर फॉलो कीजिए, RamKeshCSC084। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।